आपके साथ मैं हूँ मानसी राठौर। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत आज इंदौर के पलासिया स्थित आदर्श मार्ग पर सांसद शंकर लालवानी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कोरोना बचाव के लिए एक नुक्कड़ नाटक भी किया। इस अभियान का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से ना निकले। इस दौरान एक व्यक्ति मास्क बाबा बनकर राहगीरों को रोककर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवगत भी करा रहा था। वहीं एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में रोको टोको के तहत लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान शंकर लालवानी ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर दानियों का शहर है, साथ ही नगर निगम अपर आयुक्त द्वारा सक्षम लोगों से मास्क डोनेट करने की अपील भी की गई। वहीं शंकर लालवानी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जिसमें लगभग 4,00,000 मास्क महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इंदौर नगर निगम ने भी 6 जगह पर इसके केंद्र बनाए हैं, जिसके माध्यम से ये मास्क गरीबों को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही कोई दानदाता अगर मास्क, कपड़ा या धागा दान करना चाहता है तो वे नगर निगम में दान कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की जो योजना लागू की थी, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी माता बहनों ने घरों घरों में बस्तियों में मास्क बनाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जो मास्क हमारी माता बहनें बना रही हैं उसे मास्क बैंक के द्वारा निःशुल्क वितरित किया जाए। आज नगर निगम को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इंदौर में 6 केंद्र खोले मास्क बैंक के, और ये 6 केंद्रों के माध्यम से उस मास्क को जो हमारी गरीब वर्ग के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं और इस पूरे शहर में वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई दानदाता मास्क देना भी चाहता है तो हमारे ये जो केंद्र है मास्क बिक्री केंद्र, यहाँ पर भी मास्क केंद्र है, यहाँ पर वो मास्क दे सकता है, हम निःशुल्क उनको मास्क को देंगे। एक बहुत ही अच्छा अभियान है। कुल मिला के ये अभियान इसलिए चलाया गया है कि जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, उनको मास्क उपलब्ध हो, और हम चाहते हैं जिस प्रकार स्वच्छता में हम लगातार 3 बार नंबर 1 आए, उसी प्रकार इस कोरोना की लड़ाई को लड़ते हुए, कोरोना से विजय प्राप्त करते हुए हम देश में प्रथम आए इस कोरोना को लड़ाई लड़ते हुए, इसी अभियान को आज नगर निगम ने शुरू किया। मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ।